पिलानी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी, जिसमें हमारे मंत्री श्रीमान यूनुस खान जी पधारे थे, कार्यकर्ताओं की राय ले रहे थे। उसमें जब मेरा नंबर आया तो मैं भी कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ, तो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जी ने मुझे टोकते हुए कहा कि बैठ जा, क्या बड़ोड़ो नेता हो रहे हो तू, बकवास करे। मैंने कहा साहब ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, बोले ऐसे कैसे बोल रहे हो तू, क्या बड़ा आदमी है, और बड़ी इस तरह की बातें की। तो लोगों ने उन्हें समझाया और हमारे यूनुस खान जी ने और जिला अध्यक्ष ने उनको बैठा दिया। तो मैं बैठक खत्म होने के पश्चात एक तरफ खड़ा था, पास ही मेरी पत्नी जो चेयरमैन है इस वक्त वो भी मेरे पास खड़ी थी, कार्यकर्ता खड़े थे। तो सुंदरलाल जी गाली निकालते हुए आए, वो बामणिया कहाँ है, मांग खाड़ी जात, और गाली निकालने लगे। तो इस तरह की गाली निकाली तो मैं अचंभित हो गया कि इतना बड़ा आदमी और इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, इतनी अभद्र असभ्य भाषा में गाली निकाल रहा है, मैं यहाँ पे कैमरे के सामने बता नहीं सकता। तो मैंने कहा साहब ये क्या बोल रहे हो आप, तो उन्होंने काफ़ी कुछ कहा मेरे को। तो मेरी पत्नी भाग के मंत्री साहब के पास गई, यूनुस खान जी को कहा कि साहब यहाँ आप जन समस्या सुन रहे हो, जो इतनी बड़ी समस्या है और वो सड़कों पे इतने बड़े मंत्री हैं वो गालियाँ निकाल रहे हैं, उन्हें आप रोकिए। तब मंत्री जी आए, उन्होंने उनको समझाया लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा काका मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके लायक बात नहीं, आपकी 85 साल उम्र हो गई, आपके मुँह से ये शब्द शोभा नहीं देते। तो फिर वो मंत्री जी समझा के हमारे को एक तरफ ले गए, लेकिन वो रुके नहीं, बोलते रहे कि मैं क्या समझता हूँ इन बामणियों को, मांग खाणी जात है, मैंने पिछली बार भी देख लिया इनको, इनके वोट मुझे नहीं चाहिए। मतलब इस तरह की भाषा बोलते रहे तो सब लोगों को वो बात उनकी अखरी काटी। बात तो कुछ नहीं कही मैंने तो केवल इतनी बात कही थी कि राजस्थान में 3 लोकसभा के चुनाव हारे हम और 17 विधानसभा के सीटों में हम पीछे रह चुके हैं, तो कार्यकर्ता बहुत डिमोरलाइज हो चुका है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ता नहीं कि कई बड़े नेता भी डिमोलाइज हुए हैं, हताश हुए हैं। और मेरे सुनने में कुछ अफवाहें इस तरह की आ रही हैं कि यहाँ के कुछ बड़े नेता भी कांग्रेस के सचिन पायलट और अशोक गहलोत से मिले हैं। तो इस तरह की बातें हुई है तो पार्टी को इस बात पर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में राज है, केंद्र में राज है, और हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता मायूस हो रहे हैं। और जब सारे देश के नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात है? शीर्ष नेतृत्व उसके ऊपर चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए। इतना कहते भड़क गए, अब पता नहीं वो किस बात पे भड़के, ऐसी कौन सी बात है। ये अपने से बड़ा नेता किसी को भी नहीं मानते हैं, चाहे वो वसुंधरा जी हो, चाहे वो यूनुस खान जी हो, वो चाहते हैं कि केवल हम ही बोलते रहे, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता वो समझते हैं क्या? वो उनको ही कहते हैं मैं क्या समझता हूँ वसुंधरा को, क्या समझता हूँ मैं उसको यूनुस खान को, तो मेरे को तो बोलने कहाँ देंगे, वो उसको दूसरा बोलता उसके, उनको बोलने नहीं देते वो।